जो है पूरी तरह क्या हो जाता है भाई, ब्लैंक हो जाता है। आप जिस लेवल पर है ना, इस लेवल पर कैसे सुधार करना बताऊंगा मैं भाई। ऐसे जितने भी लोग हैं जिनसे जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, होता बहुत कुछ है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, उसका रीजन होता है कि हमारे ब्रेन का हमारे टंग से कनेक्शन नहीं है, हमारी टंग का हमारे ब्रेन से कनेक्शन नहीं है। हम लोग जानते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए ये जो क्वेश्चंस दिए ना, इन क्वेश्चंस को आंसर करो, अपनी व्यूज लाओ कि अगर हमसे कुछ बोला जा रहा है तो हम उसको कभी कभी, अब एक तो कैमरा सामने है, ऊपर से मैं खड़ा हूँ, तीसरा आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, मनी वर्सेस माइंड, ठीक है। तो ये हेजिटेशन में, डर में जितना आता ना उतना भी हम लोग भूल जाता है। तो इसका इलाज पता क्या है? इसका इलाज है हाउ टू आस्क क्वेश्चंस को तरह तरह से आंसर करना। जैसे उसमें लिखा है एट व्हाट टाइम विल द ट्रेन कम फॉर मुंबई, अब कौन सी ट्रेन आएगी, हमको तो क्या करना है, बस आंसर करना है। द ट्रेन विल कम एट 9 o'clock फॉर मुंबई, आ रही बात समझ में? ऐसे ही जब मैं इंस्टेंटली आपसे प्रश्न पूछूंगा कि विच इज बेटर टू हैव मनी और माइंड, सर आई थिंक मनी इज बेटर देन माइंड बिकॉज द वन हु इज वेरी मच इंटेलिजेंट बट ही हैज नो मनी, ही कैन नॉट मेक हिज करियर, ही कैन नॉट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ, राइट? ऐसे अगर आप मनी को फेवर कर रहे हैं, माइंड को कर रहे हैं, नो सर माइंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ऐसा बिल्कुल अपने दिमाग में जो जो थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उन विचारों को ट्रांसलेट करके बोलो, बस यही होगा स्पोकन इंग्लिश, और क्या है? अरे आ रही बात समझ में? yes, नहीं आ रही? आ रही है? yes, हाँ, ऐसे समझो, क्योंकि जब बात इंप्रूवमेंट की आती है, जब बात सुधार करने की आती है, तो सुधार कहीं से भी हो हमारे अंदर सुधार होना चाहिए, ठीक है ना? डेली हमारे अंदर, जैसे अभी मैम ने कहा कि मुझे अभी इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सीखने के बाद फिर मैं क्या करूंगी, बोले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखूंगी। मतलब सीखने की हमारी जो जर्नी है, सुधार लाने की हमारी जो जर्नी है, वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, राइट? चलिए।